अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कृति कहाँ जा रहे हैं? मूवी देखने। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? नहीं पता पता ही नहीं है कृति को कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं स्कूल से आई और जस्ट बार तुमने बताया कि हम जा रहे हैं मूवी देखने। अच्छा मैंने बताया कि मूवी देखने जा रहे हैं, एक्चुअली आई थी। ओ एक्चुअली अच्छा बेचारी खाना भी नहीं खा पाई इसके चक्कर में। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए बोला चलो खिलाते हैं, इसलिए मैं चली आई बिना खाए ही। प्रीति इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि हम मूवी देखने जा रहे हैं इसलिए इसने खाना भी नहीं खाया है और अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सा मूवी? कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? दृश्यम 2। हाँ तो वैसे पहली बार प्रीति का एक्सपीरियंस पूछते हैं। प्रीति तो पहली बार आप मूवी देखने जा रही हैं? ये मेरी छोटी बहन है और ये भी मेरी छोटी बहन है पर ये इससे बड़ी है और ये छोटी है तो और हम इनके मामा की बेटी है। हाँ ये मेरे मामा की लड़की है दोनों। तो अभी हम मैंने सोचा कि इन दोनों को थोड़ा घुमा देना चाहिए, आई मीन मूवी दिखाना चाहिए। मेरा भी बहुत दिन से मन था कि मूवी देखूँ तो और कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा इन दोनों कार्टून को ले लेती हूँ थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो कृति कैसा है आपका एक्सपीरियंस, कैसा फील हो रहा है अभी हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं? तो कुछ अच्छा नहीं कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अच्छा फील नहीं हो रहा है कि आज जिंदगी में पहली बार मूवी देखेंगे मूवी हॉल में बैठ के? मूवी तो कितने बार देख रखा है, बस पहली बार हॉल में जा रही हूँ। हाँ तो हॉल में जा रही है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब कैसा फील हो रहा है अंदर से? खुश है? वहाँ जाऊंगी तो पता चलेगा ना, अभी गई नहीं, अभी रास्ते में ही हूँ। अच्छा अभी रास्ते में ही है तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। फिर अभी 4:40 से हमारा शो है, अभी 4:37 हो रहा है, हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे क्या नहीं पता नहीं। कृति के सर में दर्द भी हो रहा है बहुत ज्यादा। कृति सर में दर्द हो रहा है? कृति से पूछ दें, कृति के सर में दर्द हो रहा है? कृति बहुत ज्यादा। क्यों सर में दर्द हो रहा है कृति बताओ? पता नहीं अभी, पता नहीं, हम बहुत फास्ट आए हैं तो अभी भी लेट ही हो गए हैं, अभी बस 2 मिनट बचा है मूवी स्टार्ट होने में, पर देखते हैं पहुंचते हैं या नहीं। अभी भी टाइम लगेगा मुझे क्योंकि रास्ते में इतना रश है कि थोड़ा अभी देखते हैं। उसके बाद अभी भी हम लोग लेट हैं 5 मिनट, तो अभी लिफ्ट खुल रहा है और हम लिफ्ट के लिए खड़े हैं तो लिफ्ट आ गया हमारा। अभी कृति के सर में बहुत दर्द हो रहा है और ये एकदम सहमी हुई है बेचारी, तो अभी हम पहुंचते हैं ऊपर। सो
गाइस अभी हम लोग आए हैं वॉशरूम में और हम थोड़ा बहन के साथ में फ़ोटो खींच रही थी, तो अभी मैं जा रही हूँ पॉपकॉर्न लेने पहले। तो अभी क्योंकि अभी इंटरवल हुआ है और मूवी स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी जल्दी हम लोग जा रहे हैं। गाइस अभी हमारा मूवी ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर। मूवी बहुत लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत मज़ा आया। मूवी देख के कैसा लगा मेघा? बहुत मज़ा आया, बहुत कृतिका कैसा? कृतिका फर्स्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं, कृतिका कैसा लगा मूवी देख के? कुछ खास नहीं ये तो बकवास है, इसको तो कुछ घर में देखते हैं फैमिली के साथ तो इससे ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे तो ये फैमिली गॉर्ड है, ये फैमिली के साथ इसको ज़्यादा मज़ा आता है। पर हमें तो बहुत मेरे को और मेघा को बहुत मज़ा आया, बट थोड़ा सा उसके साथ पॉपकॉर्न और इधर इधर कुछ भी नहीं बोरिंग लड़की को क्या ही मज़ा आएगा, है ना कृति? वैसे तो मैं बोरिंग हूँ नहीं, बट इन लोगों के साथ आती हूँ तो थोड़ा हो जाती हूँ। हम लोग बोरिंग हैं ऐसी भी बात नहीं है, हम लोग बोरिंग हैं नहीं है तो नहीं, बट नहीं नहीं है ना, नहीं नहीं हो। मिलते हैं अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मेक कृति? कहाँ जा रहे हैं अभी? गाड़ी में जा रहे हैं अभी हम लोग को, अभी घर जाएंगे पहले गाड़ी में उसके बाद। अकेले जाना है तो पता नहीं कैसे पहुँचेंगे हम घर, देखते हैं अभी रास्ते में।
कैसे पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे मतलब घर से ही पहुंचेंगे, लेकिन घर से अभी बहुत फोन आ रहा है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, कब पहुंचेगी मम्मी का भी कितने बार फोन आ गया है। प्रीति प्रीति को छोड़ के जाएंगे अभी, मतलब प्रीति को उतार देते हैं, प्रीति अकेले आ जाएगी ना, प्रीति को तो डर भी नहीं लगता है। कुछ पैसे दे देना आ जाएंगे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे सारे तो खत्म हो गए, ज्यादा नहीं भाई, एक दो लाख एक दो लाख कहाँ से लाऊंगी प्रीति मैं पैसे बताओ तो, कहाँ से कमाती भी नहीं है, कुछ कमाती ही नहीं हूँ मैं तो, ऐसे ही हूँ, जहाँ से भी लाओ बस मुझे दे दो एक लाख रुपए चाहिए, मतलब मुजफ्फरपुर से घर जाने का डिस्टेंस में मतलब 1 लाख रुपए लगता है कृति, तो रास्ते में कुछ खाऊंगी पीऊंगी 1 लाख खत्म हो जाएगा। हाँ मैं तो खत्म करके आऊंगी, अगर बस से जाता है यहाँ से तो कम से कम 60 रुपया यहाँ से पूसा का लगता है और पूसा से 20 रुपया लगता है मेरे घर तक, तो टोटल 80 रुपए तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ फिर। सो अभी हम वेट कर रहे हैं कृति का, वो एग रोल बनवा रही है, एग रोल लेके आएगी तो फिर अभी हमने, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और आज हमने मूवी के चक्कर में दिन से कुछ खाया नहीं है, जैसे कृति ने बताया कि वो भूखी है तो उसने मुझे बोला कि दीदी उसको भूख लगी है, मतलब दीदी मुझे भूख लगी है कुछ खिलाओ, तो मैंने सोचा कि एग रोल खिलाते हैं उसको, तो अभी एग रोल बन रहा है और मेघा भी मेरे साथ में बैठी हुई है, हम वेट कर रहे हैं एग रोल का, एग रोल आता है फिर। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, और रात में काफ़ी लेट हो गया था, मुझे आते आते घर 10 बज गए थे। सो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और किसने किसने दृश्यम मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। तो मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।